अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए इनका, देखिए तैमूर बाबू के पापा का कैसे मस्ती कर रहे हैं। आज बाहर से पूरी सब्जी लेकर के आए हैं। मैं घर में इनके लिए भाजी रोटी बनाई, क्योंकि ये आलू की सब्जी नहीं खाएंगे। तो हम लोग का नाश्ता होने के बाद मैं किचन में आ गई चाय बनाने के लिए। तो मेरा चाय बन रहा है, मैं 3 कप ही चाय बना रही हूँ। 1 कप मुबशर, 1 कप मैं, 1 कप उनके पापा पियेंगे। सिमरन नहीं चाय पिएगी, बोली मैं नहीं पीऊँगी। तो मैं भी छोड़ दी, नहीं पिएगी। तो तैमूर बाबू का देखिए मस्ती, बार बार मेरे पास आ रहे हैं मेरा कप छीनने के लिए। देखिए चाय का कप, जहाँ हम लोग चाय पीने के लिए बैठेंगे ना, तो चाय पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तैमूर इतना बदमाशी करते हैं, यूँ चाय का कप खींचते हैं। कितने चाय का कप मेरे यहाँ टूट चुके हैं। देखिए उन्होंने पापा को दांत भी काट लिए, बहुत बदमाशी करते हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बैठ करके थोड़ा तैमूर के साथ मस्ती करने के बाद फिर मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, दोनों बेडरूम, हॉल, किचन सबको क्लीन करना। सिमरन एक बार झाड़ू लगा चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे क्लीन करने के बाद झाड़ू एक बार फिर लगाना होगा। तैमूर मस्ती कर रहे हैं, उसके बाद फिर मुझे किचन में बर्तन भी धोना है। थोड़ा सा मैं तैमूर को प्यार की, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई बर्तन धोने के लिए। मुझे बर्तन भी काफ़ी धोने थे, आटे भी गूंदने थे। तब मुझे बटर नान बनाने थे, तो ये बोले बटर नान ही बना लो। तो मुझे आटा गूंद के रखना होगा, तभी वो सेट होंगे अच्छे से आटे। तो मैं सोची चलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो 250 ग्राम मैदे हैं, आधा चम्मच मैं चीनी डाली हूँ, 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा, 1 पिंच बेकिंग पाउडर, 1 कप चाय पीने वाले कप से मैं दही डाली हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे। उसके बाद इसे ना टाइट ही गूंदिएगा, कड़ा मतलब रहेगा तो अच्छे से सेट हो जाएंगे, नरम मत बिल्कुल मत गूंदिएगा। उसके बाद फिर मैं 2 घंटे जितना मेरे पास टाइम मिलेंगे मैं उतने देर के लिए उसे छोड़ दूंगी। तो मैं आ गई थोड़ा सा डस्टिंग क्लीन करने के लिए। मैं आ गई, बहुत सारे डस्ट हो जाते हैं घर में, पता नहीं कहाँ से इतने सारे आ जाते हैं गंदे। फिर मैं सोफ़े का कवर भी लगा दी हूँ, क्योंकि सोफ़े के कवर मैं इसलिए लगा दी धो करके, क्योंकि गंदे बहुत हो जाते हैं सोफ़े, इसी वजह से मैं कवर ही लगा के रखती हूँ। तो मैं देखिए सब क्लीन करती हूँ। मैं सिमरन भी साफ़ करती है फ्रीज वगैरह, लेकिन वो बहुत शॉर्टकट मारती है, अच्छे से बिल्कुल क्लीन नहीं करती है। मैं इतनी खुश हूँ मैं अपने हाथों से काम करने, सफाई के मामले में मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ, मुझे बेहद पसंद है। बोला ही मैं 1-2 टाइम खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन सफाई कोई मुझे दे करने के लिए तो मैं दिल से करती हूँ। ये रूम में आगे बेडरूम में तैमूर बाबू को बोली हटिए बेड पर से जाइए सिमरन आप लोग, तो वो हट ही नहीं रही है। तो मैं सोची चली जब तक मैं कवर्ड साफ कर ले रही हूँ बाहर से। मुबशर भी काफ़ी मदद करते हैं मेरे साफ करने, कभी कभी तो वो पोछा भी लगा देते, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है। तो देखिए मैं तो सोची कवर भी इसका चेंज कर दे रही हूँ, बिस्तर झाड़ करके मैं बिस्तर भी बिछा दे रही हूँ अच्छे से, बहुत जल्दी बिस्तर ख़राब कर देते हैं तैमूर। उसके बाद तैमूर बहुत बदमाशी कर रहे थे, तो मैं बोली चलिए मुबशर आप लेकर के जाइए, उनको कार्टून दिखा दीजिए। तो कार्टून देखने चले गए, कार्टून देखते हैं ना तो मतलब कुछ देर चुप रहते हैं। तो देखिए तैमूर बाबू का सबसे फेवरेट कार्टून है एक मोटा हाथी घूमने चला। उसके बाद फिर वो देखते हैं गुब्बारे वाले, ये 2 कार्टून ना बहुत शौक से देखते हैं, बहुत दिल से देखते हैं। तो मेरे झाड़ू भी हो चुके हैं, सफाई सब हो गया है। तो थोड़ा सा मैं बाहर का बरंडा भी साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं साफ़ करके आई तो उनके पापा देखिए किचन में आ गए चिकन चढ़ाने, कितना कम ऑयल डाले हैं उनके पापा। उसके बाद फिर प्याज भी हल्का फ्राई हो चुका है, तो इसमें ये आप चिकन डाल दे रहे हैं। तो चिकन में ऑलरेडी वो पहले नींबू नमक मिला करके फ्रीज में रख दिए थे। तो ये देखिए 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच काली मिर्च को उन्होंने रोस्ट कर लिए हैं तावे पे, और इसको पाउडर बनाना है। इसमें देखिए अभी ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, एक मतलब टेस्ट के हिसाब से उन्होंने नमक डालें। जब तक सिमरन हटी मैं हटी यहाँ पर से, उन्होंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखे के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाले उन्होंने, 2-3 हरी मिर्च डाल दिए थे वो। जब तक हम लोग आधा ले जाए हम लोग तो शूट भी नहीं कर पाए। तो उसके बाद फिर वो आधा कटोरी दही डालें और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डालें और 2 लौंग और 2 इलायची को उन्होंने कूट करके डाल दिए। और देखिए ये जो जीरा काली मिर्च का फक्की बनाए थे वो डाल दिए, बस इनका चिकन हो गया रेडी। देखिए ग्रेवी के लिए उन्होंने पानी भी लगा दिए, मैं धनिया पत्ती उधर काट के रखी थी वो भी नहीं डाले, ऐसा इनका चिकन का रेसिपी था।
तो फिर मैं आई ना, तो मैं बोली कि आप तो इसमें धनिया पत्ती भी नहीं डाली, तो फिर मैं डाल दी धनिया पत्ती बाद में। सिमरन बोली चावल फ्राई कर लेना, चावल कल के बचे हुए थे। तो हम बोले चलिए अच्छी बात है, चावल फ्राई हो जाएगा, वेस्ट नहीं होता, हम लोग किसी भी तरह से यूज़ कर ही लेते हैं खाने की चीज़ को, हम लोग बर्बाद बिल्कुल नहीं करते हैं। तो सिमरन प्याज फ्राई की, उसमें एक शिमला मिर्च डाली, थोड़ा सा मटर डाली, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हरी मिर्च भी डाली, उसके बाद फिर वो चावल डाल करके फ्राई कर दी। अब इसमें एक अंडा भी डाल दीजिएगा ना तो और मज़ा आ जाएगा चावल फ्राई में। हम जब भी बनाते हैं तो अंडे डाल देते हैं। तो उधर चावल भी फ्राई हो चुका है, तो अब मैं आ गई इधर नान बनाने के लिए। तो 250 ग्राम में मैदा ली थी ना, तो उसमें 5 ठो नान बनाई मैं। अब बहुत इतना टेस्टी नान बना था ना, बहुत टेस्टी नान बना था, आटे भी बहुत अच्छे से सेट हो गए थे। तो इसलिए ना, जितने अच्छे से आप आटा सेट होगा उतने अच्छे आपके नान बनेंगे। तो मैं नान भी मेरा रेडी होने ही वाला था, तो उधर सिमरन लंच की तैयारी निकालने की तैयारी कर रही थी, तो चावल भी फ्राई हो गए। तो सिमरन के पापा चिकन बनाए, उसके बाद सिमरन चावल बनाए, मैं नान बनाए, तो तीन आदमी थे, तीनों अपने अपने एक एक काम कर लिए। आज बहुत मज़ा भी हम लोग को आया, बहुत इंजॉय भी किए, काफ़ी देर ये घर में भी थे। तो मैं लंच निकाल दे रही हूँ क्योंकि इनको जाना है पार्क लेबर लोग को काम लगाने के लिए। तो सिमरन दस्तरखान लगाई, उसके बाद फिर हम लोग सब आदमी साथ में बैठ के सोचे खाना खा ही लेते हैं, साथ में खाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और खाने का मज़ा ही अपनों के साथ अलग होता है। तो देखिए यही आज मैं छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे कैसे बने थे ये नान चिकन, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।